देवी, पत्नी श्री सुरेंद्र, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इस समय मौजूद हैं गांव शादीपुर में। नवनिर्वाचित पंचायत को आज शपथ दिलाई गई है। देख सकते हैं गांव के मौजूद व्यक्तियों की मौजूदगी में आज शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज पूरी पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह है। ग्राम शादीपुर निवासी जो भी यहां पंचायत के नव निर्वाचित सरपंच और पंचों के साथ आप इनके साथ आए हुए सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यवान फोगाट इधर आपके ही जुलाना गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हूँ और मुझे आज ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भी जो आपकी नवगठित पंचायत है शादीपुर गांव की, इनके सरपंच और पंचों को शपथ दिलाई जाए। तो इसी ड्यूटी को पूरा करते हुए सबसे पहली कड़ी में मैं चाहूँगा कि सरपंच को सबसे पहले शपथ दिलाई जाए। देखिए ये एक शपथ है, प्रतिज्ञा है गांव के प्रति, जो पंचायत का दायित्व होता है और उस पंचायत के लीडर के तौर पर, नेता के तौर पर जो आपको बहुमत दिया है उसी के संबंध में आप अपने कार्यकाल के दौरान अपनी ड्यूटी को कैसे निभाती रहेंगी उसी के बारे में, जैसे आप न्यायालय में भी देखते हैं एक शपथ ली जाती है, संविधान की शपथ भी इसको बोला जाता है। हाँ जी, शुरू करते हैं। मैं सीमा देवी पत्नी श्री सुरेंद्र, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं सरपंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, शनेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। तो इस पंचायत के जो पंच हैं उन्हीं का होगा और मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि यहाँ आ जाएं। शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं पंच के पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतकरण के से निर्वहन करूंगी तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, शने या वर्णस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नवनिर्वाचित सरपंच व पंचों, सारे गांव की तरफ से मैं आप सभी नवनिर्वाचित पंच व सरपंच को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मिलजुल कर गांव के विकास के लिए काम करेंगे। पंचायत की जो विकास किसी की है, गांव से चलती है, सरू वाली पैड़ी गांव से चलती है। आप अपना पूरा समय देकर गांव के विकास के लिए काम करें। मैं कार करें आप भाई, ये हमारा फैसला जो है गांव के हक में है कि नहीं है। और सरपंच से भी मैं कहना चाहूँगा, कोई भी गांव का व्यक्ति आपके पास आए, जायज काम आपने बिल्कुल। ये थी खास रिपोर्ट दिनेश जुलानिया के गांव शादीपुर से। इसी तरह की नई अपडेट के लिए डीएन हरियाणा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वॉइस ऑफ जींद को सब्सक्राइब